दे। नववर्ष के उपलक्ष्य में आज बूंदी राजस्थान में महिलाओं द्वारा विशाल बाहर रैली निकाली जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में हजारों की मात्रा में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। फूल नहीं चिंगारी है, यह भारत की नारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद है जिन्होंने केसरिया रंग का साफा बांधा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरे भगवे वेश में वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, झंडे लिए हुए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर महिलाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार वह तैयार होकर यहाँ पर भगवा बनकर आई है और जयकारों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजने को हमको सुनाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं द्वारा यहाँ पर प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की रैली को यहाँ पर संयोजा हुआ है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं की रैली को व्यवस्थित किया हुआ है। कुंभा स्टेडियम से यहाँ से यह रैली रवाना होकर मुख्य बाजारों से होती हुई यह रैली आकर्षण का केंद्र रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये रैली अच्छे से यहाँ पर से जा रही है। सभी महिलाओं ने स्त्रियों ने यहाँ पर केसरिया रंग का भगवा साफा बांधा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम खोजा गेट सर्किल पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन रैली जो कि जिसका स्वागत करने के लिए यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहां पर दरवाजे बनाए गए हैं स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से यहां पर लोग बाग जय श्री राम के नारों के साथ में यहां पर खड़े है। फूलों से इस भव्य रैली का स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आगे ही आगे सभापति मधु नुवाल जी भी यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारी मातृशक्ति नारी यहाँ पर है। यहाँ पर महिलाओं का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुष्प वर्षा करके यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है ताकि उनकी मातृशक्ति जो है यहाँ पर महिलाओं का है उत्साह हमें को देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित होकर यहाँ पर ये वाहन रैली निकाली जा रही है। जय श्री राम के नारों के साथ में यहाँ पर हमको यहाँ पर ये रैली दिखती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से पुष्प वर्षा करके यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Oh, my God.
Thank you.
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार अहिंसा सर्किल को यहाँ पर सजाया हुआ है, बिल्कुल केसरिया केसरिया में कराया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्वागत करने के लिए यहाँ पर शिक्षक संघ द्वारा और भी अतिथि द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं, जो फूलों से इनसे स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार यहाँ पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर काफी अधिक संख्या में यहाँ पर लोग बाग खड़े हैं। व्यवस्था को संभालने के लिए और कड़ी निगरानी से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी है, यहाँ पर पुलिस अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था को संभाल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। Yeah.
जैसा कि दर्शकों आपने भी अभी देखा कि किस प्रकार मातृशक्ति रैली वाहन रैली अभी संपन्न हो चुकी है यहाँ पर हायर सेकेंडरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार सारी की सारी वाहन रैली है जो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं में उत्साह एक देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महिला केसरिया साफा बांधकर यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी हम दृश्य देख सकते हैं जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर गूंज रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से काफी सारी महिलाएं यहाँ पर पूरा केसरिया नजारा हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ही आनंद पूर्वक स्वागत करना पड़ेगा। बोलिए भारत माता की, भगवान श्री रामचंद्र की। हमारी मातृशक्ति की 19 तारीख को जो वाहन रैली निकली है ये बहुत भव्य और बहुत बड़ी मातृशक्ति की जो आज मातृशक्ति ने यहाँ निकली। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आपने भागीदारी निभाई और किस तरह से आपको लोगों का देखने को मिला कि महिलाओं द्वारा किस प्रकार का आपको उत्साह देखने को यहाँ नजर आया? आज की वाहन रैली बहुत ही अच्छी रही। ये महिलाओं में एक जागृति उत्पन्न करती है कि हमें एक रहना चाहिए। नारी शक्ति एक रहेगी तो कोई भी किसी भी समस्या का डटकर मुकाबला कर सकती है। मातृशक्ति की जय। वाहन रैली की संयोजक आशा मीणा जी आज हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी आज जो वाहन रैली निकली है क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारी वाहन रैली नववर्ष के उपलक्ष में कुंभा स्टेडियम से रवाना हुई और मार्केट में होती हुई आज हाई सेकेंडरी में समापन हुआ भी। तो आज हमारी मातृशक्ति ने जो योगदान भारत की नारी होने का जो दिखाया है, बूंदी का गौरव, बूंदी की हाडी रानी का जो परिचय देते हुए आज सबने सर पे पगड़ी बांध कर और भारत की नारी का जो बूंदी की हाड़ी रानी का जो परिचय दिया है आज बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये एक छोटे से वाहन पे सबने आगे हो गए, क्योंकि पिछले साल भी हमने निकाली थी तो जो रह गई थी जिनको पता लगा कि अरे हमें भी सूचना देते, हम भी आते, हमारे ये बूंदी का गौरव है और हम सब बहने एक साथ हैं और ये सभी बहनों का योगदान है। सभी ने अपने आप आगे बढ़ बढ़ कर और कहे हमें भी आना है, हमें भी आना है। तो आज राज जो बिल्कुल ऐसे शालीनता से दो लाइन में वहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बहनों ने बहुत अच्छा परिचय दिया है और मैं सभी बहनों को नववर्ष की, हमारे जो हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष चैत्र 22 तारीख को है उसी के उपलक्ष में जो अभी 21 तारीख को दीपदान भी होगा पुरुषों के, युवाओं की भी, हमारे युवा भावों की सभी रैली निकलेगी उसमें भी बिल्कुल हमारी बहनें ऐसे बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। और मैं सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद जय भारत। आज जो महिलाओं में किस प्रकार का आपको वाहन रैली में उत्साह देखने को मिला? आज जो मैंने देखा महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह था। महिलाओं को जब हमने जाके कहा तो उनको समझाया तो महिलाओं को समझ में आया कि वाकई हिंदू परिवार का जो ये त्योहार है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और महिला वैसे ज़्यादातर क्या है कि गाड़ी वगैरह कम चलाती है तो फिर भी महिलाओं की संख्या अच्छी रही। मैं तो महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के और सभी समाज की महिलाएं यहाँ आई, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और जो महिलाएं मतलब मार्केट में थी उनमें भी ऐसा लग रहा कि वो महिला कह रही अगली बार हम भी आएंगे, तो मैं कह रही हूँ कि ये संख्या अगली बार इससे भी दुगनी संख्या रहेगी। और नववर्ष के मैं सभी मेरी बहनों को नववर्ष की शुभकामना देती हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि महिला इसी तरह से हमारा साथ देती रहे और सभी का उत्साहवर्धन करती रहे। और 21 तारीख को सभी महिला पधारे, दीपदान का प्रोग्राम है उसमें हम सभी महिला साथ रहेगी। धन्यवाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार मातृशक्ति वाहन रैली में एक छोटी सी नन्ही बालिका ने भी इसमें भाग लिया। क्या नाम है आपका? रीवा। तो कैसा लगा आज आपको इस वाहन रैली में शामिल होके? अच्छा लगा। तो किस प्रकार से आपने जय श्री राम के नारे गूंजे तो सुनाई दिए? जय श्री राम जय श्री राम।
तो सुना अभी आपने किस तरह से एक नन्ही बालिका ने बताया कि जय श्री राम के नारे हमको यहाँ पर सुनने को मिले। और इसी प्रकार अब हम जानना चाहेंगे कि दीपदान का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या है, तो आप हमें बताइए दीपदान का प्रोग्राम में किस तरह से क्या समय रहेगा और महिलाएं और पुरुष किस तरह से उसमें भागीदारी निभाएंगे। भारतीय नववर्ष की समस्त बूंदीवासियों, भारतवासियों और विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में पहचानी जाती है, उसी श्रृंखला में हम अपनी संस्कृति को विश्व में दिखाने के लिए और बनाए रखने के लिए हम ये नववर्ष के तहत अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी वाहन रैली थी माताओं बहनों की। ये हम समाज को जो एक धुरी होती है, समाज की केंद्र होती है, महिला सब रूप में प्रकट होती है, तो ये एक रूप यह भी दिखाया हम सब ने। इससे हमारी टीम भावना भी बढ़ती है, एकजुटता भी बढ़ती, आपस में स्नेह भी बढ़ता है। इसी श्रृंखला में हमारे 21 तारीख को नवल सागर पर दीप उत्सव का कार्यक्रम है। भारतीय संस्कृति जिस तरीके से हम प्रकृति भी हमारा स्वागत कर रही है, तो उसके लिए हम सब बहनें मिलकर और एक नया संदेश देंगे कि हमें सब मिलकर एकजुट होकर हमें पूरे विश्व को काम करना है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने जाना किस प्रकार यहाँ पर महिलाएं सभी हमको प्रसन्न नजर आई, अब तो इसी तरह और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आपका अपना विश्वास।